बापूजी बापूजी हम लोग छाता लेना भूल गए, भीग गए। कमाल है, सब लोग एक साथ छाता लाना भूल गए। बहुत जोर से बारिश हो रही है नहीं? बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे सब लोग खड़े क्यों? भूखे वाला आया है, जाओ जाकर भूखा खा के आओ। जाओ जाओ। पहुंच गया। अरे सेठ जी ये क्या न्यू लुक? आज रेनकोट में? नया खास लेकर आई था, पहन लिया। नट्टू काका, रेनकोट में सेठ जी कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? जस्ट लाइक शेरलोग। शेरलोग हाउस? नट्टू काका, शेरलोग हाउस नहीं, शेरलोग होम। व्हाटएवर। सेठ जी मैं तो कहता हूँ बारिश हो या ना हो आप रोज रेनकोट पहनकर ही आइए। क्यों? इसमें आप लंबे दिखते हैं। फिर तो ये रेनकोट आपको पहनने की जरूरत है नट्टू काका, मुझसे ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत आपको है। लीजिए, आप पहन लीजिए। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है, आज तो अंदर बाहर सब जगह न्यू लुक ही है। दुकान में आज आप राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट पहन के आ गए। मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये बनियान है। तो फिर आपका शर्ट कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट लाइए। मैं जा रहा हूँ दुकान, लेट हो रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? जल्दी जल्दी मैं शर्ट पहनना ही भूल गया, बनियान पे रेनकोट पहन के आ गया। नो वरी सेठ जी, गोडाउन में आपका 4-5 जोड़ी कपड़े रहते ही हैं, उसमें से एक जोड़ी पहन लीजिए। हाँ ठीक है, लीजिए नया शर्ट पहन के। सेठ जी रेनकोट तो पहन के जाइए। अभी कहाँ बारिश हो रही है? नो सेठ जी, आपका ये लुक बाहर लोगों ने देख लिया तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई सेकंड लुक नहीं देगा। दुबासिया, काका क्या कहना चाह रहे? सेठ जी नट्टू काका कह रहे हैं आप ऐसे बनियान में बाहर जाएंगे। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, लाइए लाइए। आज तो मस्त भुट्टे गर्मा गर्म नींबू मिर्च मार के दे देना। आप लोग नहीं खाओगे? ऑर्डर दो ना? ये सब चेहरे तो देखो, आई एम जोकिंग बाबा। अरे बच्चों मजाक कर रहे हो। वैसे आज की बारिश तो हमेशा याद रहेगी। हाँ वैसे एक और बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी? जो मेरी शादी के दिन हुई थी। अरे पता है इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि आधे से ज्यादा मेहमान तो आए नहीं थे। फिर क्या, पूरा खाना मैंने और हंस ने फिनिश कर दिया। हाँ बारिश में मजा तो बहुत आता है, पर मेरे लिए टेंशन साथ में लाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ बारिश हुई और वहाँ मेरे घर पे सिर्फ एक ही बात सुनने में आती है कि ओए रोशन, बारिश के मौसम में पार्टी शार्टी का मूड बन रहा है। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर देता है। बरोबर है, बरोबर है। क्या बरोबर है? अभी अपना किस्सा सुनाओ। बताती हूँ। शादी के बाद बहुत सालों तक हम दोनों एक ही छाते में आया जाया करते थे बारिश में। वाह, हाउ रोमांटिक। स्लो रोमांटिक। ये कहते थे दूसरे छाते की क्या जरूरत है, बेकार का खर्चा, इसीलिए एक ही छाता। वैसे मुझे मजा आता था लेकिन एक ही छाते में हम दोनों। आ गया, लो लो। बबीता जी, आप भी अपना कोई रोमांटिक किस्सा सुनाइए ना। वैसे अय्यर ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, बट ही इज वेरी केयरिंग। एक दिन मैं बारिश में भीग के बहुत बीमार पड़ गई थी, तो रात भर जग के उसने मेरी सेवा की। ओहो, साइंटिस्ट बने नर्स। और दया भाभी, आप क्या सिर्फ हमारे किस्से सुनकर एंजॉय करेंगे, अपना भी कोई किस्सा सुनाइए ना। बोलो, कम ऑन कम ऑन दया भाभी। हाँ दया भाभी, गरम भुट्टा खाइए और गर्मा गर्म किस्सा सुनाइए। बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, खुशनुमा मौसम था, ऐसे ही काले काले बादल छाए हुए थे। मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद में कांकरिया तालाब घूमने के लिए गए। ओके। वहां हम होड़ी में बैठे। हमारी होड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंद मंद हवा भी चल रही थी, पर कब वो हवा तूफानी बन गई पता ही नहीं चला। धुआंधार बारिश शुरू हो गई, हमारी होड़ी हालक डोलक होने लगी और कब मैं होड़ी में से नीचे गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे बचाने के लिए टप्पू के पापा ने पानी में फुसका लगाया। हकीकत ये थी कि टप्पू के पापा को तैरना आता ही नहीं था। ओगो भाई। Oh no. What? फिर क्या, मुझे तो तैरना आता था। मुझे तैरना आता था, मैंने टप्पू के पापा को बचा लिया और पानी के बाहर लेकर आई। टप्पू के पापा ठीक है। आप सबको मैं बताऊं, मुझे टप्पू के पापा की यही बात अच्छी लगती है। उनको तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने के लिए उन्होंने पानी में भुसका मार दिया। How sweet of him. अंजनी भाभी। हाँ सुन रही हूँ। आप भी कुछ मसालेदार सुनाइए। अरे हाँ, देखो। वैसे तो दया भाभी, मेरे और तारक के रोमांटिक किस्से बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा? इस बार मैं नए किस्से बनाऊंगी और फिर सुनाऊंगी। सावकाश, सर्दी हो गई। सॉरी। चलो अभी घर निकलते हैं। अंजलि, मना किया था ना कि बारिश में मत भीगो, बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। आखिर वही हुआ ना, तुम सुनती नहीं हो मेरी। अंजलि, तारक आप भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि तला हुआ खाना मत खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, फिर भी आप हमेशा खाते हैं ना। अरे मेरी और तुम्हारी तुलना मत करो अंजलि, तुम्हारा और मेरा क्या कंपैरिजन भाई। आप तो रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हो और आपके पांव पड़ जाए तो आप तो घायल हो जाएंगी, बारिश की बूंदों से बीमार हो जाती हैं आप। वाह वाह, क्या बात है, दोबारा दोबारा छींक। अंजलि मैं कुछ दोबारा कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मत छींकना, वरना तुम्हारे छींकों की बारिश से बचने के लिए मुझे छाता खोल के बात करनी पड़ेगी। अच्छा है ना तारक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, छींकती रहूंगी तो आपको मेरी सेवा करने का मौका मिलेगा। अंजलि सेवा करने जैसी कोई बात नहीं है, जरा सी चीज है, तौलिए से सर पहुंच लो, एक गर्मा गर्म कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए आज वैसे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, बाय। तारक प्लीज, आप देख रहे ना मेरी हालत, मेरे लिए रुक जाइए ना प्लीज। अंजलि ऐसा क्या हुआ जिसके लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो भाई, हल्का सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा, टेक केयर, बाय। तारक, तारक
आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अंजलि, वक्त के साथ हर इंसान बदलता है भाई। लेकिन आप पता नहीं तुम कब बदलोगी अंजलि, तुम्हारा बचपना न जाने कब जाएगा। तारक, नट्टू काका। जी सेठ जी। आज तो हद हो गई। सेठ जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या? आप बनियान में दुकान आए, वो हो जाती है गलती, भूल जाइए, रात गई बात गई। लेकिन नट्टू काका, अभी रात गई नहीं है, सेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह होते ही जरूर भूल जाएंगे। अरे ओ चाचा भतीजा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि शाम होने आई, लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई है, उस हद की बात कर रहा था। यस, यू आर राइट सेठ जी, आज तो हद ही हो गई। सुबह से कोई कस्टमर रिचार्ज कराने भी नहीं आया। बारिश भागा बारिश, बाहर इतनी तेज बारिश है कि सिवाय मेंढक के कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। हे भागा, और भी लोग निकले हैं। आइए 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 आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। आपके पास अच्छा क्या है? वो क्या है ना कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो इसके लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या गिफ्ट देना है? कोई बढ़िया सा LCD या फिर फ्रिज दिखाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। बागा, नट्टू काका इनको टीवी फ्रिज दिखाते, तब तक क्या पियेंगे आप लोग, चाय ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। क्या है कि बाहर बारिश चल रही है ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी ना, क्यों नहीं। बागा काम कर, तीन मस्त कड़क मसाला वाली चाय बोल। अरे बोल क्या, हाथ वाथ लेकर ही जा। आइए। हेलो, हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपको मेरा खत मिला? खत? तू भी कमाल करती है दया, इस मोबाइल के जमाने में, और जिसका पति खुद मोबाइल बेच रहा हो उसको कोई खत भेजता है? आपको तो पता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी दया एक तरफ। वो तो है। कब भेजा खत तूने? बस अभी, काले काले बादलों पर सफेद सियाही से लिखा है कि जल्दी से तुम मेरे साजन के पास जाओ और उनको कहो कि जल्दी से घर पर आ जाए। अच्छा, कवित्री, यहाँ बारिश की हर बूंद चिल्ला चिल्ला के गा रही। तुम सुन यार, यार जी जल्दी घर पर आइए जी। अरे भाई, तूने पकोड़े की लालच दिखाई तो अब तो देख, फटाफट आता हूँ घर पे। ओके, और ये एक दो, चलो चलो, बारिश बंद हो गई। अरे अरे भाई साहब, हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ खरीदना नहीं है? सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए, हमें कुछ खरीदना नहीं है। थैंक यू अंकल, बाय। आ गई गर्मा गर्म। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए। तो फिर ये चाय? वैलिड क्वेश्चन, अभी इस चाय का क्या करें? सेठ जी, हम भी तीन है, चाय भी तीन है, बोनी हुई उस खुशी में हो जाए। चुप रे! बागा, दरअसल बोनी नहीं हुई। अच्छा, सॉरी सेठ जी। नहीं नहीं, मैं सॉरी, बोनी नहीं हुई उसमें तेरा क्या कसूर। चल अभी चाय लाया ये तो, सबको पिला, चल ला। सेठ जी संभालना, गरम है। ओ अच्छा, सॉरी, थैंक यू। संभाल के। ये चाय आ क्यों नहीं रही है? सेठ जी, लगता है घाई घाई में मैं खाली किटली उठा के ले आया। It happens only in India. रिक्शा।
भगवान क्या कर दिया एक ऐसा गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, ये बारिश में खड्डों का कसूर है। बिलाड़ी का टॉप की तरह हर जगह उग निकलते है। देखो एक और खड्डा। भगवान का सत्य नाश हो गया। रिक्शा रिक्शा रुको रिक्शा, बकुलधाम सोसाइटी ले लो जी। ओ सीढ़ी के पास ले लो भाई साहब। बड़ी मशहूर सी बात है साहब कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उस चीज को पाने में मदद करती है, लेकिन हमारे मित्र जेठालाल के साथ तो बिल्कुल उल्टा है। वो जो ना करना चाहे वो करने में पूरी कायनात यानी कि पूरा ब्रह्मांड मदद करता है। आप देखिए ना, जेठालाल के सामने है बबीता और कपड़े सने हुए हैं कीचड़ से। भाई आग का दरिया होता तो जेठालाल पार कर लेते, लेकिन ये कीचड़ के दाग का दरिया जेठालाल कैसे पार करेंगे ये सोचने वाली बात है। और सामने है अय्यर भी जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर जेठालाल का मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे जाएंगे घर? भाई बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, आप छाता लेके निकले तो बारिश होगी नहीं, जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपके पास छाता होगा नहीं। गंदे कपड़े अगर आपने पहन लिए पुराने से तो कीचड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लिए तो कीचड़ जरूर उछलेगा। बरसात में चाहे जो हो सो हो, लेकिन आपके घरों में हंसी की बरसात इसी तरह जारी रहेगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।